हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, होप यू आर गुड। और क्वेश्चन है ये सिक्वेंट एंड सीरीज का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 26, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, इसमें हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो प्रूव करना बिल्कुल आसान है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज वॉट? लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर, यू कैन सी व्हाट इज इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज अ सीरीज, सीरीज ऑफ सम्स। तो सम इज, सम किसका निकालेंगे दोस्तों? तो सम में चेंज कौन हो रहा है? 1, 2, 3, n। तो ये r चेंज हो रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है। फिर दूसरी चीज है, ये चेंज हो रही है 2, 3, 4। तो ये हो जाएगा r प्लस 1 स्क्वायर। r इज इक्वल टू 1, 2, n। डिनोमिनेटर r इज इक्वल टू 1, 2, n। और डिनोमिनेटर में क्या चेंज हो रहा है आप देखें, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू r प्लस 1। अब आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते जब तक आप इसको सिंप्लीफाई ना कर दें। तो ये यहाँ देखिए, आप न्यूमरेटर क्या है आपका, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1, 2, n, आर इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दें, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर देख लें आप, समेशन आर इज इक्वल टू 1, 2, n, आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर। सिंपली ओपन करना है, ओपन कर दिया। अब ये भी आप एक्सपेंशन कर दें, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1, 2, n, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब। सेपरेट भी कर दें तो टाइम भी बचेगा। आर इज इक्वल टू 1, 2, n, आर इंटू 2r, 2r स्क्वायर, समेशन आर इज इक्वल टू 1, 2, n, आर डिवाइडेड बाय, यहाँ भी सेपरेट कर दें, समेशन आर क्यूब आर इज इक्वल टू 1, 2, n प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1, 2, n आर स्क्वायर। अब आप एक काम करें, ये जो इनके फॉर्मूले हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहां पर यूज करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख देता हूं। तो जो आपका r इज इक्वल टू 1, 2, n आर स्क्वायर का वैल्यू है, वो है n/6 n+1 2n+1। आर इज इक्वल टू 1, 2, n, आर इसका वैल्यू है n/2 n+1। तो इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए आप, और आर क्यूब की भी ज़रूरत है। तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1, 2, n, आर क्यूब इज n/2 n+1 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, आप ये वाली वैल्यू यहाँ रख दें, n/2 n+1 होल स्क्वायर ट्वाइस, इसकी वैल्यू रख दें n/6 n+1 2n+1 प्लस, अब इसका वैल्यू रख दें n/2 n+1, सेम इन डिनोमिनेटर, ऐसे ही डिनोमिनेटर में कर दें n/2 n+1 होल स्क्वायर n/6 n+1 2n+1। अब इसमें से देखें क्या कॉमन आ रहा है। तो देखें आप न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, n/2 n+1 कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा n/2 n+1। इसमें देखें 2 ये बचा और ये 2n+1, अपॉन में आ जाएगा 3 क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लिया है, प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और होल अपॉन, अपॉन में देखो अपॉन में भी कॉमन आ रहा है n/2 n+1 कॉमन, ब्रैकेट n/2 n+1 प्लस 2n+1/3, n n+1/2 n n+1/2 कैंसिल। अब केवल हमें इसे सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप तैयार हो जाएं, और काम हो गया आपका। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए,
एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन थ्री प्लस इसको इसके सॉरी अपॉन टू है टू प्लस टू इंटू दिस तो फोर एन प्लस टू अपॉन थ्री प्लस वन होल अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू प्लस टू एन प्लस वन अपॉन थ्री। अब बारी है एलसीएम लेने की, एलसीएम लेंगे फैक्टराइज करेंगे कैंसिल होंगे फैक्टर्स और आंसर आएगा। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो सिक्स आएगा, तो वन बाय सिक्स ब्रैकेट थ्री इससे मल्टीप्लाई थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू इससे मल्टीप्लाइड एट एन प्लस फोर प्लस इन दोनों का जो सिक्स एलसीएम था वो इससे मल्टीप्लाई होगा सिक्स और होल अपॉन डिनोमिनेटर में भी वन अपॉन सिक्स दोनों का एलसीएम थ्री इंटू दिस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस फोर एन प्लस टू ये वन बाय सिक्स से वन बाय सिक्स कैंसिल। अब देखिए आपको थ्री एन स्क्वायर प्लस इलेवन एन प्लस सिक्स और फोर ये क्या हो गया आपका टेन अपॉन थ्री एन स्क्वायर प्लस सेवन एन प्लस टू। अब फैक्टर बनाने के लिए रेडी थ्री टेन जा थर्टी तो इलेवन को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे फाइव एन सिक्स एन थ्री टू जा सिक्स तो सेवन एन को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे सिक्स एन प्लस एन। तो देखिए थ्री एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन थ्री एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस एन प्लस टू क्या कॉमन आ रहा है थ्री एन कॉमन फाइव कॉमन थ्री एन कॉमन दोनों से क्या कॉमन आप देख लो एन प्लस टू कॉमन थ्री एन प्लस फाइव एन प्लस टू थ्री एन प्लस वन। तो ये दोस्तों कैंसिल और ये आपका प्रूफ हो गया। तो कितना आसान था, थोड़ा सा टेक्निक से चलना है और आराम से करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल लाइक कर दें शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी बेस्ट विशेस है, विश यू ऑल द बेस्ट।